वहीं मध्य प्रदेश के दतिया नगर परिषद अध्यक्ष पार्षद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए और इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया वार्डो में करोड़ों की सौगातें भी दी है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम पूरी पार्टी को एक परिवार की तरह चलाते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं में वही भाव है। तो दतिया जहां आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा पहुंचते हैं और वार्डो वासियों को वो करोड़ों की सौगात देते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दतिया की जनता को विकास का श्रेय उन्होंने दिया है। 6,25,00,000 राशि विकास कार्य की स्वीकृति हुई। मैं आदरणीय ब्रजेश बैंक जी का, अनु पठान जी का स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी पार्टी को एक परिवार की तरह चलाते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में वही भाव है। अभी हमारे 3 अध्यक्ष नए हैं, आप तीनों को देखें, प्रसाद जी को देखें, ब्रजेश जी को देखें और धीरू जी को देखें, वो भी अपने परिवार को समेट के हम सब मिलजुल के दतिया के विकास में लगे। ये कहना गलत है कि दतिया का विकास मैं करा रहा हूं। वास्तविकता ये है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें बैठी हो, आप विकास करा रही हो। आप जिताती नहीं तो विकास कहां से करा।